कहते क्या है हम तुम्हारे? कौन है, कौन हम? मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूं। प्यार, मोहब्बत, आशिकी सिर्फ लफ्जों के सिवा और कुछ नहीं। राधेश्याम ऐसी रोमांटिक फ्लिक है जिसे रेबल स्टार प्रभास इस जॉनर में डेकेड के बाद एंट्री करने जा रहे हैं, और हाल फिलहाल के अपडेट्स को देख के तो यही लग रहा है कि ये इस जॉनर को भी अपने अलग अंदाज से सुपरहिट बनाने जा रहे हैं। फिल्म को लेकर हमें लेटेस्ट काफी इंटरेस्टिंग अपडेट मिली है जो कि इसके प्लॉट के लिए काफी क्रुशियल होने वाली है। जानने के लिए देखते रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं हूँ आपकी होस्ट हस्ती। अभी तक तो हमें सिर्फ इतना पता था कि राधेश्याम एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म होगी, लेकिन इसी थ्रिल में एडिशन करती है लेटेस्ट रिविलेशन जो है कि राधेश्याम में हॉरर एलिमेंट्स की प्रेजेंस। सोर्सेज के हिसाब से राधेश्याम में ऐसे कई शॉकिंग हॉरर एलिमेंट्स होंगे जो कि ऑडियंस को लिटरली गूज़बम्प्स दे जाएं, और इन सभी मोमेंट्स को मोस्ट इफेक्टिव बनाने के लिए टीम टॉप नॉच VFX स्पेशल इफेक्ट्स और हार्ट पंपिंग बैकग्राउंड म्यूजिक का भी फुली यूज कर रही है। फिल्म में हॉरर एलिमेंट्स इंक्लूजन के सॉलिड 3 रीजंस हो सकते हैं। पहला ये इनकार्नेशन सागा है, इसलिए इस कॉन्सेप्ट की इफेक्टिवनेस एंड न्यूनेस को दिखाने के लिए शायद हॉरर का सहारा लिया जाए। दूसरा, स्टोरी में प्रभास एक फॉर्चून टेलर है और इस प्रोफेशन से जुड़े ब्लैक मैजिक और सुपरनैचुरल पावर्स को मोस्ट इंटरेस्टिंग वे में पोर्ट्रे करने के लिए भी हॉरर यूज हो सकता है। या फिर तीसरी पॉसिबिलिटी, स्टोरी में एक अनएक्सपेक्टेड फैंटेसी ट्विस्ट जो कि व्यूअर्स को ट्रू सेंस में चौंका के रख दे। सिर्फ यही नहीं, राधेश्याम फिल्म से एक और क्रिशियल डिटेल का भी खुलासा हुआ है जो कि इसका 30 मिनट लॉन्ग शिप सीन है और रोमांटिक एलिमेंट को हाईलाइट करने का काम करेगा। इस हाफ एन आवर सीक्वेंस को एंटायरली शिप पे ही शूट किया जाएगा और स्टोरी लाइन के हिसाब से इसकी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंस होगी। यहाँ तक कि मेकर्स तो कॉन्फिडेंट है कि फिल्म की सबसे मेन हाईलाइट यही सीक्वेंस होने जा रहा है। मे बी फॉर्चून टेलर और रीइंकार्नेशन जैसे फैंटेसी कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग बेस इसी सीक्वेंस से मिले और उस हिसाब से सारी फिल्म ही इस सीन पे बेस्ड हो। खैर, इन सभी क्वेश्चंस का सटीक आंसर तो राधेश्याम की रिलीज के बाद ही पता लग पाएगा, और जिसमें अभी थोड़ा टाइम है क्योंकि इसके क्रिशियल सीन शूट होना अभी भी बाकी है। As expected from a Prabhas starrer film, makers इसे magical experience बनाने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं। फिर वो बात costumes के लिए huge amount pay करने की ही क्यों ना हो। As we know, राधेश्याम एक period romantic film है जो कि set है 70s के Europe background पे। इसलिए makers ने अपने lead star को vintage look में perfectly ढालने के लिए तगड़ा खर्चा किया है। बताया जा रहा है कि सिर्फ प्रभास की ही विंटेज एथनिक कॉस्ट्यूम्स के लिए 6 करोड़ तक खर्चा किया जा चुका है, और कॉस्ट्यूम्स के हिसाब से ये इनकी सबसे महंगी फिल्म होने जा रही है। ये एफर्ट एविडेंट हो जाता है राधेश्याम के विजुअली स्टनिंग पोस्टर से जिसमें प्रभास स्टाइलिश विंटेज आउटफिट्स पहने देखे जा सकते हैं। वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बॉलीग्राड चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करके जाएं।